हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आप लोग कैसे हो ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके हम आ गए। फ्रेंड आप देख सकते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की नई नोटी आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड अगर आप घर बाहर नहीं जा पा रहे इस समय, जो कि पार्लर वगैरह नहीं खुल रही हैं, तो आप घर में ही आसानी से अपने पैरों में पेडिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेडिक्योर करने के लिए सबसे पहले हम नेल पॉलिश को हटा लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए नेल पॉलिश को हटा लेते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड, नेल पॉलिश को हटा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, और फ्रेंड आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कर करिए, और फ्रेंड आप लोग बताइएगा आगे कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, हम ज़रूर लेके आएंगे फ्रेंड। तो रेस्ट करिएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। तो देख सकते हैं फ्रेंड, नेल पॉलिश को हटा लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर, देखिए नेल पॉलिश को हटा लिया हमने, और पायल को भी निकाल देते हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड पायल को हटा लेते हैं। आप बहुत से यानी आसानी से घर में ही कर सकते हैं पेडिक्योर फ्रेंड। बहुत सरल तरीका आपको हम बताएंगे आप कैसे करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छी है फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने पाल को निकाल दिए हैं। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक टब में पानी ले लेते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर रहेंगे, नॉर्मल पानी, और हल्का गरम। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यानी ना ज़्यादा गर्म रहे ना तो ज़्यादा ठंडा रहे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मिला लेते हैं पानी को। अब इसमें नींबू डाल देते हैं एक। नींबू आपको पता है, नींबू में विटामिन सी होता है, जो हमारे गंदगी होती है तो साफ़ कर देते हैं नींबू। तो देख सकते हैं आप, एक नींबू लिए हमने। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, अब इसमें एक चम्मच हम शैम्पू डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अच्छे से मिला लेते हैं शैम्पू को में। तो देखिए फ्रेंड, और यहाँ पर हम पैरों को इसमें डिप कर देते हैं 5 से 10 मिनट तक। 10 मिनट के लिए आप चाहे तो 5 मिनट तक भी रख सकते हैं, लेकिन 10 मिनट तक रखेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप, नींबू से ही थोड़ी देर तक हम इसमें स्क्रब करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, इसमें स्क्रब कर लिए हैं फ्रेंड। अब इसमें हम जो नाखून के पास गंदगी रहती है उसको भी साफ कर लेते हैं, अगल बगल जो रहती है। ये पेडिक्योर ब्रश है, आपको मार्केट में ये आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड, आप ले सकते हैं। आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप, देखिए फ्रेंड, तो आप घर में भी आसानी से कर सकते हैं ना फ्रेंड। तो देखिए कितना सरल है करने पेडिक्योर घर में भी आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, इसको अच्छे से ब्रश से साफ कर लेते हैं जो पूरी गंदगी है तो पैरों में, क्योंकि हमारे पैर में भी ज़्यादा ही रहती है। आलता का डिज़ाइन जो बनाते हैं उसके वजह से मेरे पैर जो है बहुत निरफ हो जाते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप, तो मेरे पैरों के लिए बहुत यानी ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड, इसको अच्छे से साफ कर लिए हैं। अब इसमें हम स्क्रब करते हैं, तो स्क्रब हम शक्कर सुगर ले लेते हैं 2 चम्मच,
और एक नींबू ले लेते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसको अच्छे से करेंगे स्क्रब। तो 10 मिनट तक अच्छे से स्क्रब ये सूख जाएगा, तो इसको साफ़ कर लेंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, सूख गया, साफ़ कर लेते हैं फ्रेंड। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसीलिए इसको बहुत ही शॉर्ट करना पड़ा, एडिट करने में कट करना पड़ा। तो देखिए फ्रेंड, जो नेल के पास डर्ट स्किन है उसको भी साफ़ कर लेते हैं। आपके पास अगर पेडीक्योर किट है तो उससे भी साफ़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेल कटर से साफ़ कर रही हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अच्छे से साफ कर लेंगे। नेलों को भी देखिए फ्रेंड, साफ कर ले, इसको साफ पानी से साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए, अब इसमें हम थोड़ा पैक लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पैक लगाने के लिए हम बेसन ले लिए हैं 2 चम्मच। फ्रेंड आप देख सकते हैं, देखिए, और यहाँ पर 1 चम्मच हम हल्दी ले लेते हैं और 2 नींबू ले लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, नींबू 1 लिए हैं। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद पैरों में फिर हम लगा लेंगे फ्रेंड। देख सकते हैं आप, तो फ्रेंड लगा लेते हैं पैरों में, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड, ये सूख जाएगा, 20 मिनट तक इसको रखेंगे, जब तक सूख जाएगा। सूखने के बाद इसको पानी से साफ कर लेंगे, नॉर्मल पानी से। तो देख सकते हैं फ्रेंड आप, ये पानी हमने ले लिया है। तो देखिए फ्रेंड, इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। पर देखिए फ्रेंड, साफ कर लिए हैं, आपको फ़र्क दिखता होगा पहले और आपका। तो देखिए फ्रेंड, कितना अच्छे से हो गया है पेडिक्योर, आप आसानी से घर में कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर करिएगा, बताइए, कमेंट करिएगा फ्रेंड, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, इसको अच्छे से सूखे टॉवल से साफ को यानी पोंछ लेते हैं, सूखा कर लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड इतना सब करे हैं तो फिर में कुछ बस बॉडी लोशन क्रीम लगा लेते हैं इसमें। तो देख सकते हैं फ्रेंड, और यहाँ पर हम नेल पॉलिश लास्ट में लगा लेते हैं फ्रेंड। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करिएगा। और फिर आगे वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं फ्रेंड, तो बताइएगा, तो हम ज़रूर लेके आएंगे फ्रेंड। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना यानी फ़र्क आ गया है हमारे पैरों में। फ्रेंड आप भी अपने घर में कुछ ही सामानों से पेडिक्योर कर सकते हैं। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।